Hey guys, hi. After Art of Self-Defense, Scary Stories to Tell in the Dark, Angry Bird 2, let's talk next thing. Science versus propaganda, okay? Ek topic hai. Important topic hai. Science versus propaganda. Two English words hai. Science word ka meaning to hum sabhi samajhte hai. Vigyan, jo kuch cheez ho rahi hai, jo kuch cheez chal rahi hai, uske peeche ka jo kuch scientific reason rehta hai, jo kuch us को होने के लिए रियल में जो कोई चीजें रिस्पॉन्सिबल रहती है उस चीज को हम बोलेंगे साइंस, राइट? प्रोपेगेंडा मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोपेगेंडा? हम बहुत सुनते हैं प्रोपेगेंडा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को समझ में नहीं आता प्रोपेगेंडा मतलब क्या. प्रोपेगेंडा मतलब ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज जो कि एक पर्सन या फिर एक थिंकिंग वाला ग्रुप आपके दिमाग में घुसाना चाहता है. वेदर इट्स गुड, वेदर इट्स बैड, वेदर इट्स हेल्पफुल फॉर देम, वेदर इट्स हेल्पफुल फॉर यू, वेदर जो कुछ हो वो चीज़ आपके माइंड में इनपुट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कोई भी हेल्प कर सकता है. हम मीडिया से वो चीज़ें सुन सकते हैं, हम न्यूज़पेपर से हम सुन सकते हैं, जो कोई एक्सटर्नल चीज़ें हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जो कोई हम एक्सटर्नल चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिन चीज़ों से हम बात करते हैं, बाहर की सारी वर्ल्ड में जो सारी चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों का हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है, जिन चीज़ों से हम बात करते हैं, कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं, इंटरेक्ट करने का ट्राई करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एक वे में आपके दिमाग में कुछ डालने का ट्राई करती हैं, राइट? सिंपल एज इतनी तो चीज़ आप समझ रहे हो. अगर वो जो चीज़ डालने का जो चीज़ डालनी है अगर वो ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली आ रही है, कुछ नेचर के बारे में रहने दो, कुछ नेचर कंजर्वेशन से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड जो कोई चीज़ है उससे रिलेटेड अगर वो चीज़ है तो स्पॉन्टेनियसली आती है तो वो आपको समझ में आ जाते हैं. लेकिन अगर कोई चीज पर्पसफुली आपके माइंड में डाली गई है इन मास पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि अभी नेचर के बारे में अवेयरनेस चल रहा है, नेचर को बचाओ, अमेजन फॉरेस्ट से 20% ऑक्सीजन आता था उसकी जगह पे अब कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसी जो कोई भी चीजें हैं साइंटिफिकली है तो ओके नॉट इशू. लेकिन अगर कोई यूनियन, कोई ऐसे ग्रुप उनके हेल्प उनके खुद के लिए या फिर सेल्फिश मोटिव से वो चीज़ आपके दिमाग में डाल रहा है, भर रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा. ओके, बस इतनी सी चीज़ है. अभी इसमें अच्छा इंटेंशन है, बुरा इंटेंशन है, राइट इंटेंशन है, रॉन्ग इंटेंशन है, जो कुछ चीज़ है वो डिपेंड करती है उस चीज़ के ऊपर आने वाले रिएक्शन से, उस चीज़ के ऊपर आने वाले रिस्पॉन्स से, एंड या इट कैन बी इन दैट वे, बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड प्रोपेगेंडा. जस्ट मेक इट क्लियर इन योर माइंड. इसलिए बोलते हैं कि माइंडफुल रहो, इसलिए बोलते हैं कि सत्सद विवेक बुद्धि बोलते हैं ना हिंदी में जो वर्ड है, सत्सद विवेक बुद्धि से काम लो, सोचो. तो यही है माइंडफुलनेस, difference between science and propaganda. If you want to know more, google it, research it, and you will get to know. Bahut important thing hai. Again kyun bol raha hu, aapke life se related hai. Hum zindagi mein jeete hain, hum zindagi mein jo kuch kaam karte hain, khate hain, peete hain, ye sari cheeze impact hoti hai in cheezon se. So know the difference between science and propaganda. Thank you guys, thanks a lot for watching. Aapke kya thoughts hai, aapko ye cheeze pata hai science and propaganda ke beech ka difference kya hai, आप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, आपके क्या व्यूज़ है, क्या थॉट्स है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में मिलते हैं, नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में बताइए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस.